हाय एवरीवन, सो आज है 23rd of September। इट्स माय मम इन लॉज बर्थडे और इसी दिन हमारी सलोन की एनिवर्सरी होती है। यस, वी कंप्लीटेड वन डैम ईयर फॉर दिस सलोन एंड आई एम सुपर सुपर हैप्पी ऑन दिस डे। एंड मेरे 40 डेज भी ख़त्म हो गए हैं, सो आई वाज एबल टू गो बैक टू माय सलोन। एंड इस दिन हमने एक मैसिव लंगर रखवाया था जस्ट टू फीड द पुअर एंड बहुत ही अच्छा लगा लंगर करवा के। एंड या सो इट वाज जस्ट लाइक अ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम अस कि हमारा एक छोटा सा वेंचर जो हमने शुरू किया है, इट मार्क्ड वन ईयर। सो दिल से ग्रैटिट्यूड है इसके लिए, बहुत बहुत लाइक आई एम ग्रेटफुल टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। ये मेरा सपना था और मैं ये कर रही हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट विद एवरी वन सपोर्ट फ्रॉम माई इन लॉज, फ्रॉम माई फैमिली। एंड इट्स गोइंग गुड एंड होपफुली इट विल ग्रो मोर ब्यूटिफुली एंड मोर ईयर्स टू कम, मोर एंड मोर एनिवर्सरीज टू कम। After the लंगर वी also got the केक। सो मम्मी और सलोन का एक ही केक बनवाया हमने एंड बस वही हमने काटा। एंड वी आस्ड मम्मी टू कट द केक बिकॉज इट वॉज हर बर्थडे एंड ऑफकोर्स किड्स इन्जॉयड इट, किड्स लव केक और केक काटने में उनको तो बहुत ही मज़ा आता है। सो दे डिड द ऑनर्स इन कटिंग द केक। It's 25th of September. I'm vlogging after so many days. बस टाइम ही नहीं लगा एंड यू नो क्यों नहीं टाइम लगा। आई एम अ न्यू मॉम एंड बस नहीं लगता टाइम। एनी वेज, सो आई शॉट अ मेकअप वीडियो टुडे आफ्टर सो लॉन्ग एंड आई एम जस्ट रैपिंग इट अप। सो दिस इज द मेकअप लुक। सो यूल बी आपने अभी तक देख लिया होगा या फिर क्योंकि अपलोड हो चुका होगा, तो आप नहीं देखा तो आई विल पुट अ लिंक, सो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड वॉच दैट। एंड बहुत टाइम बाद मैंने मेकअप वीडियो बनाई है एंड आई वॉन्ट टू बी बैक लाइक फुल फ्लैश्ड, विच आई एम नॉट एबल टू, बट आई एम ट्राइंग बिकॉज लाइक आई वॉज लाइक यस्टरडे आई वॉज लाइक वेरी 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 disheartened and sad because I was just telling Harry ki I'm not able to get back like before. I'm not able to go to my salon. I'm not able to shoot videos and work. So Harry consoled me and he said ki it's okay, it's don't rush, it's okay because offices mein bhi 6 mahine ki maternity to milti hai, to abhi tumhe to 1.5 mahina hua hai. So which he was right about, but you know I came back here like to my hometown because I wanted to make something out of my life. I wanted to work like I wanted to grow as a makeup artist, I wanted to like grow as a businesswoman running my salon, but it was not happening. It's not happening because of this
pregnancy and now a baby. So मैं बहुत disheartened थी. But anyways, देखते हैं, कोशिश करूँगी सब कुछ manage करने की, but कई बार नहीं हो पाता. So frustration होती है, but one thing I know for sure, it will get better. It will get better. With time, it will get better. So that's the thing I keep on saying to myself. It's like an affirmation for me, positive affirmation. It will get better. It is not easy, but it will get better. So यही सोच सोच के आगे बढ़ रही हूँ अब. And by the way, Harry is going to Japan next month in October. And guess what? Like, it's like a work trip for a month. He's going for a month. And guess what? That family was also allowed. Like, with kids and wife, you can go. Like, you can take them as well. And I was like, oh my god, my best friend is in Japan and I can't go with him because I have a newborn. तो लोगों ने बोला, लाइक मेरी इवन मदर इन लॉ एंड सिस्टर लॉ ने भी बोला कि आप चले जाते. बट मेरे सेकेंड बेबी का, लाइक देर इज़ नो आधार कार्ड, देर इज़ नो पासपोर्ट, लाइक हाउ कैन आई ट्रैवल विद हिम विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन. अभी तक सिर्फ उसका बर्थ सर्टिफिकेट है और कुछ नहीं है. सो ऊपर से कबीर के स्कूल. सो आई मिस्ड दिस अपॉर्चुनिटी. यस, नहीं तो पक्का से जापान जाती है एक मंथ के लिए. और बहुत बहुत मन था कि मैं जाऊँ, बट द टाइमिंग वॉज नॉट राइट. द टाइमिंग इज नॉट राइट. या एनी वेज, कभी और अब ऐसा मौका मिलेगा अगर हैरी को, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू ग्रैब इट. बट अभी तो इट्स अ नो नो. एनीवेज, आई एम जस्ट गोना रैप अप एवरीथिंग एंड आई विल सी यू सून. Good morning everyone, it's 30th of September और आज मैं almost after 2 months मैं कबीर को drop करने आई हूँ school के लिए. अदरवाइज इसके दादू drop कर रहे थे at the bus stop, but today I am here to drop him and his little Kabir. Say hi. Say hi. सो या अभी छोटू जो है वो सो रहा है. सुबह उठ गया था 5 बजे, बट नाउ ही स्लीपिंग एंड आई एम जस्ट गोना गो ड्रॉप हिम ऑफ एंड उसके बाद घर का यूजुअल काम, ब्रेकफास्ट बनाना एंड स्टफ लाइक दैट. या सो लाइफ ट्रैक
पे लाने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है कि हो जाए नॉर्मल रूटीन एक बिल्डअप हो जाए, बट विद लिटिल बेबी इट्स वेरी हार्ड, बट आई एम ट्राइंग. हाँ बेटा. सो गाइज, तो सब ब्रेकफास्ट वगैरह करके अभी बज रहे हैं आई थिंक 10:30. सो अब मैं इस बेबी को नहलाने लगी हूँ. इसकी मालिश इसकी दादी ने की है. सो आई एम जस्ट अबाउट टू बेड हिम नाउ. व्हाट्सअप. सो बस 12 बजने वाले हैं, मैं जा रही हूँ नहाने. कबीर भी आने वाला है. कबीर का आज मुझे हेयर कट कराना है, तो जैसे सलोन लेके जाना है, तो लंच करने के बाद मैं लेके जाऊँगी. आई होप माई लिटिल वन स्लीप्स वेल टुडे. कल वो उठ रहा था, आई थिंक ही इज़ गोइंग थ्रू ग्रोथ स्पर्ट, तो उठ ही जा रहा था. लेट्स सी हाउ टुडे विल गो. एंड आई एम जस्ट गोना टेक अ बाथ एंड आई विल सी यू सून. What's up? It's 3:00 and I'm taking both my kids to salon because आज मम्मी को काम है थोड़ा घर पर, तो वो यूवी को नहीं देख सकते. यूवी उठा हुआ है and that's कबीर. कबीर को कराना है हेयर कट, उसके कबीर को लेके जा रही हूँ. And that's my little one. तो दोनों चल रहे हैं आज salon, so let's go. So I'm home and Harry is just boarding for Japan. मैंने आपको बताया था he's going to Japan for work for 1 month. Yeah, he's boarding today and he'll be back just before Diwali. Yeah, so पूरा अक्टूबर के महीने we won't be able to meet, like otherwise he used to come every weekend or every other weekend, but अभी पूरा महीना he'll not be here. तो तब तक छोटू बहुत बड़ा हो चुका होगा, लाइक हैरी को बहुत चेंज लगेगा. एनी वेज, सो अभी बज रहे हैं 6:30. मैं बस जा रही हूँ किचन में टू मेक सब्जी, और आज बनाएंगे आलू न्यूट्री पकौड़ी. या तो वो बनाते हैं. सो लेट्स डू इट. Thank you.
अच्छा इट्स 8:50 सो कबीर को सुलाने की तैयारी है बिकॉज कबीर कल कबीर का स्कूल है एंड अब छोटू भी जाग चुका है. या बाय द वे आई डोंट थिंक सो आई हैव अनाउंस्ड हिज नेम ऑन दिस व्लॉग चैनल. हिज नेम इज व्हाट इज हिज नेम कबीर नो बेबीज नेम युवीर यस इट्स कबीर एंड युवीर. सो युवीर भी जागा हुआ है बोथ आर प्लेइंग सो या सो बस युवीर तो अभी जागा बट कबीर का सोने का टाइम हो गया तो कबीर को सुलाऊंगी. युवीर विल टेक टाइम विल स्लीप अराउंड 10:30 आई गेस पर अभी 9:00 बजे सो आई हैव टू प्ले विद हिम. या सो दैट्स इट फॉर टुडे and I'll see you soon. Bye-bye.